नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी अभी मौसम समाचार को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, अगले 48 घंटों में देश भर के 14 राज्यों में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 14 राज्यों में से 5 राज्यों में गंभीर और भयंकर बाढ़ के हालात हो सकते हैं और इसी को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है और नदियों का जो जलस्तर है वो तथा खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रहा है। जी हाँ दोस्तों, मौसम समाचार की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और एक शेयर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं पूरे मौसम समाचार अपडेट को लेकर क्या बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है। तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा के साथ तटीय कर्नाटक, उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ ही दोस्तों आपको बता देते हैं कि एल नीनो जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से इस महीने जो है मानसून की बारिश जो है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी। एल नीनो के कमजोर होने से ही इस महीने जो है हमें एक बेहतर बारिश देखने को मिलेगी पिछले महीने के मुकाबले। इसी के साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों के कई तराई इलाकों में जो है बारिश की कमी होने के आसार हैं और हालांकि इन इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार भी जताए गए हैं। वहीं बिहार में भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही बिहार के दक्षिण पूर्वी और तराई के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मध्यम भागों और दक्षिणी कोंकण, उत्तरी कर्नाटक के तटीय इलाकों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के एक दो स्थानों में भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं दोस्तों केरल व दक्षिणी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटों और तेलंगाना के पूर्वी हिस्सों, दक्षिण पूर्वी कश्मीर और उत्तरी पंजाब के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से हल्की बारिश जो हो सकती है, जबकि पंजाब के अन्य इलाकों, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, गुजरात और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर भी हल्की बारिश और यहाँ पर कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। तो दोस्तों वहीं कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और इससे सटे हुए उत्तर प्रदेश में मौसम जो है शुष्क बना रहेगा, यानी यहाँ पर जो है आने वाले 24 से 48 घंटों तक बारिश जो है वो नहीं होगी और उमस जो है वो लगातार बनी रहेगी। इसी के साथ ही दोस्तों दिल्ली में जो है वो आने वाले 24 घंटों में उमस बनी रहेगी और मौसम के लिए थोड़ा इंतजार, बारिश के लिए थोड़ा इंतजार जो है वो और करना पड़ सकता है। इसी के साथ ही दोस्तों एल नीनो जो है वो काफी कमजोर हो गया है, जिसके कारण जो है बारिश हमें अब अच्छी खासी देखने को मिलेगी। एल नीनो की वजह से ही काफी स्थानों पर जो है बारिश नहीं हो रही थी और कई जगहों पर भारी बारिश उसी के कारण हो रही थी, जहां पर बाढ़ के हालात बने हुए तथा उसके कमजोर होने के बाद अब हमें आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर ही पूरे भारत में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। जहां पर अभी तक बारिश नहीं हुई है वहां पर भी हमें अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी और पूरे भारत में अच्छा खासा मानसून जो है वो प्रवेश करे। वैसे दोस्तों आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप अपने जिले, गांव या शहर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपको अगले वीडियो में आपके जिला, शहर या गांव का मौसम समाचार अपडेट आप तक पहुंचा सके। साथ ही वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आपको मौसम समाचार अपडेट की आगे भी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, धन्यवाद।